हेलो जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। तो जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और हैरियत से हूँ, आप सब लोग की दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, जिस व्लॉग का आप लोगों को भी और मुझे भी इंतज़ार था, वो फाइनली जी आ चुका है, वेडिंग व्लॉग। तो यहाँ पर ये जो व्लॉग है जी, आज का है मेहंदी व्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली जब भी आपने कहीं जाना होता है तो आपको करनी पड़ती है पैकिंग। तो ये था जी हमारा पैकिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी हो रही थी पैकिंग, ये सारे ड्रेसेस वगैरह। सो ये जी फास्ट मोशन में आप लोग जल्दी जल्दी से देख लेंगे मैंने कितने जो है जी ड्रेसेस वगैरह जो है ये सारे मेरे मैंने पैकिंग कर ली, ठीक है। अपने भी थे और मेरे सारे जो है जी मतलब हमारे पूरे पूरी फैमिली की पैकिंग हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ये जो ड्रेसेस की डिटेल्स हैं, ये मैं आप लोगों को जो है जी एक अलग वीडियो में भी सारे ड्रेसेस दिखा दूंगी। अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, अभी हमारी हो जाएगी पैकिंग डन, ठीक है। कपड़ों की पैकिंग होगी हमारी डन, अभी हमने करनी है जी मेकअप की पैकिंग, ठीक है। तो मेकअप की पैकिंग में आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग ज़रा म्यूज़िक के साथ देखेंगे ये मेकअप की पैकिंग कैसी होगी। पैकिंग हो गई डन, ठीक है तकरीबन। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है जी हमने मेहंदी पर जाना था, तो घर से रेडी होके मेहंदी पर जाना था, बाकी बारात और वलीमा हमने जो है जी वहीं से अटेंड करने थे, ठीक है। तो मेहंदी पर जाने के लिए हमारे यहाँ पर ये ड्रेसेस हो रहे थे रेडी, ठीक है। तो ये ड्रेस मैं आज ही आप लोगों को मतलब इसी वीडियो में दिखा दूंगी। ये जो है जी जैकवर्ड की जो है मेरी शर्ट थी और साथ में जो है प्रिंटेड कैप्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, ये शर्ट है जैकवर्ड की और इसके साथ दुपट्टा बहुत ही नफीस था। और जो आजकल जी न्यू आया है थोड़ा ऑर्गेन्जा स्टफ जो होता है, ठीक है, उसमें है। और मैरून कलर का मैं ये कॉम्बिनेशन किया हुआ है, टू पीस सूट था मेरा, ठीक है। मैंने दिखाया था आप लोगों को किसी व्लॉग में, अगर आप लोगों ने मेरे सारे व्लॉग्स प्रॉपरली देखे हैं तो आप लोग को पता होगा मैंने दिखाया था। इसमें जो है जी हम तीनों बहनों के जो है थोड़े सेम थे लेकिन हमारे कलर्स डिफरेंट थे, ठीक है। इसमें डार्क रेड भी था और डार्क ब्लू भी था, लेकिन मैंने ये जो है जी थोड़ा सा लाइट जो ब्लू था वो चूज़ किया और ये दुपट्टा था इसके साथ। और उसके बाद जी चले चलते हैं मेहंदी पर, और रात का ऑब्वियसली फंक्शन होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में बैठ के हम जा रहे हैं यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये तकरीबन मैंने जो है जी थोड़ा सफ़र का भी लगा दिया, आप लोग देखें, ठीक है। मेहंदी पर जाते हुए हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आया था, मैंने सोचा चले मैं व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा सा मज़ा करवाती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर ये आप लोग देखें, जाते हुए बहुत ही मतलब अंधेरा तो हो चुका था लेकिन ऑब्वियसली रात में जो है जी आजकल रौनक ज़्यादा हो गई है बनिस्बत दिन,
तो उसके बाद यहाँ पर जी ये हम पहुँच आए मेहंदी पर, और ये जो है जी रस्म हो रही थी, ठीक है, ये जो दुल्हन को जो है ना उसकी दोस्त वगैरह जो क्लेरा बांधती हैं वो था, ठीक है जी, यहाँ पर ये बन रहा था। तो ये भी मैंने थोड़ी सी जो है ना, मतलब मैंने कहा चले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा सा उसने बांध दिया, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर ये हम जो है जी थोड़ा सा नीचे आए हुए थे फोटो सेशन के लिए, और उसके बाद फिर हम ऊपर जा रहे हैं। और जी ऊपर पहुंचने के बाद जो है जी दोबारा से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले सारी सेटिंग हमारी हो रही थी, ठीक है, फुल जो है जी सेट वगैरह करना था, पीछे से इतनी डेकोरेशन नहीं हुई भी थी, वैसे ही जो है वॉल प्रिंटेड थी उस वजह से, ठीक है। उसके बाद जो है जी यहाँ पर ये सारे बैठ के, अंधेरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि ऑब्वियसली नाइट थी, रात थी, और रात में जितनी भी रोशनी कर लो ना तो वो एक जो होता है ना बाहर का मतलब इफेक्ट आता है, तो ये वही था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी अभी ये जो रस्म होती है ना हाथ पे मेहंदी रखना और कुछ मिठाई या केक वगैरह खिलाना, तो यहाँ पर सामने जी केक रखा हुआ था, आप लोग को नज़र आ रहा होगा क्रीम केक, तो बारी बारी सारी जा रही थी अपनी बारी पे, तो ये लाइट भी जल गई, ठीक है, जो है जी मूवी बन रही थी ना तो उन्होंने लाइट भी ऑन कर दी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट जो है जी हमारी रस्म भी डन हो जाएगी, और फिर मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं आप लोग को रस्म दिखाती हूँ अपनी जो हर किसी के घर में होती है, ठीक है, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी यही सब कुछ होता है या नहीं। उसके बाद ये यहाँ पर ये जो ये मतलब क्लिप है ना, ये मेरी मतलब सिस्टर का ड्रेस था, ठीक है, ये सारी ज्वेलरी वगैरह भी उसी की थी, उसने खुद से क्लिप बना लिया। तो जी बस ये आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा मेहंदी का वेलॉग, तो होप कि आप लोग को पसंद आइएगा। अल्लाह हाफिज़।